मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। लेकिन वही सब वायरस यूरोप में हमेशा जिंदा रहते हैं क्योंकि धूप नहीं, तो वहां वायरल डिसीजेस बहुत होती है। यूरोप में सभी नागरिकों को मैक्सिमम डिसीज जो है ना वायरल और बैक्टीरियल डिसीज है। उनकी जिंदगी की लिस्ट बनाओ बीमारियों की तो 90% बीमारियां उनके यहाँ वायरल और बैक्टीरियल है, और वायरल और बैक्टीरियल डिसीज जो है ना इन्फेक्टेड होती है, इन्फेक्शस होती है। माने एक को हुई तो पूरे घर में सबको, दो को हुई तो पूरे मोहल्ले को हो जाएगी, गांव में किसी एक को हो गई तो पूरे गांव को हो जाएगी। तो पता है उनकी मजबूरी क्या है कि एक छोटी सी भी वायरल डिसीज यूरोप में किसी नागरिक को आ जाए तो वहां की सरकार परेशान हो जाती है कि कहीं सब नागरिक इसके परेशानी में ना आए, तो वो मास वैक्सीनेशन कराते हैं। मास वैक्सीनेशन समझते, सबको टीके लगाते, सबको, किसी को छोड़ते नहीं, छोटा बच्चा हो या बड़ा, सबको मास वैक्सीनेशन करते। यूरोप में एक वायरस घूम गया अभी 2-3 साल पहले जिसके कारण एक बीमारी आती है हेपेटाइटिस बी। ये वायरस जो है ना पानी में बहुत रहता है और ठंडे पानी में बहुत ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई कर जाता है, तो यूरोप में ठंडा पानी बहुत होता है तो ये वायरस फैल गया। तो यूरोप के ज्यादातर नागरिकों को ये बीमारी आई हेपेटाइटिस बी, और इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि ये लीवर को प्रभावित करता है वायरस, और लीवर ज्यादा डैमेज हो गया तो ये वायरस ने उसको वहां तकलीफ कर दी। वो वायरस हिंदुस्तान में आया भी नहीं और हमारी सरकार ने नकल करके मास वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। आपको मालूम है गांव गांव हेपेटाइटिस बी के कैंप लगते, इंजेक्शन लगवाओ, 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, 500 रुपए दो, और ऐसे पागल लोग आ गए इस देश में, बैंक में काम करने वाले सबको लगाओ इंजेक्शन, बीमा कंपनी में काम करने वाले सबको लगाओ, कॉलेज में पढ़ाने वाले उनको भी लगाओ, पढ़ने वाले उनको भी लगाओ। रोज टीवी पे विज्ञापन आ रहा है कि भाई लगवा लो नहीं तो मर जाओगे, ये बीमारी एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है। मजे की बात, वायरस अभी पहुंचा ही नहीं है भारत में और धंधा शुरू हो गया। वायरस पहुंचा नहीं, धंधा शुरू हो गया। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को कहा कि आपके पास कोई हेपेटाइटिस बी का पेशेंट आए तो जरा मुझे बताओ। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मैं उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? मैंने कहा भारत में बहुत सारी दवाएं हैं आयुर्वेद में, मैं देखना चाहता हूँ, टेस्ट करना चाहता हूँ कि वो वायरल डिसीज जो सबसे खराब आप बनाते हैं एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं एड्स का आदमी तो 10-12 साल में मरता है, हेपेटाइटिस बी का 2-3 दिन में मर जाता है, इसलिए खतरनाक है। तो मैंने कहा हम जानते हैं हमारे घर में एक बहुत अच्छी दवा है जिसको तुलसी कहते हैं, तुलसी एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, तो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मुझे बताना। मैंने कम से कम सैकड़ों डॉक्टरों को बोला होगा, आज तक किसी ने नहीं कहा कि ये हमारे पास पेशेंट है हेपेटाइटिस बी का, क्योंकि वो वायरस आया ही नहीं और मेडिसिन सबको दे दिया सरकार। बहुत लोगों ने ठुकवा लिए इंजेक्शन, अपने बच्चों को भी ठुकवा लिए। वायरस कभी आएगा मालूम नहीं, और अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आने का चांस है। क्यों चांस? इसलिए नहीं कि वो यूरोप से भारत अगर ट्रेवल करे तो 20,000 मील की दूरी है, इतना वो ट्रेवल कर नहीं सकता, बीच में ही मर जाएगा। तो फिर ये तमाशा क्यों फैलाया अपने देश में, आपके हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाओ, ये करो, ये करो, ये करो। टेक्नोलॉजी का अंतर अगर नहीं जाने ना तो ये दुष्परिणाम आता है। और इससे भी ज्यादा एक और खराब बात बताता है, आजकल एक पोलियो वैक्सीनेशन चल रहा है, मास वैक्सीनेशन चल रहा है। एक एक बच्चे को 5-5 बार दे दिया, 6-6 बार दे दिया, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 10 बार पी चुके हैं और फिर भी अमिताभ बच्चन के पेट का पानी जो है ना बार बार हिलता रहता है। रोज टीवी पे आके चिल्लाता है और दे दो, और दे दो, और दे दो, छोड़ो मत इसको।
ये जो मास वैक्सीनेशन है ना, मैंने फिर आपसे कहा ये उन देशों के लिए जरूरी है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो वायरल ग्रोथ बहुत है, बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत है। तो यूरोप में मास वैक्सीनेशन होता है पोलियो के लिए, लैटिन अमेरिका में भी कुछ देशों में होता है, भारत में जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहां तो सूर्य का प्रकाश ही है जो सबसे बड़ी रक्षा करता है आपकी। अब पता है इसमें वैक्सीनेशन में करते क्या है, वो जिस वायरस से पोलियो होता है उसी को बच्चे के शरीर में डालते हैं, सेम वायरस। भारत में होता नहीं तो यूरोप से मंगा रहे हैं, पोलियो के सभी डोजेस यूरोप से आ रहे हैं, भारत के बच्चों में वो वायरस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उनका तर्क क्या है, वो लोहे को लोहा काटता है, वो पुराना जो तर्क है केमिस्ट्री का है, पता नहीं फिजिक्स का कहां का है, लेकिन ये तर्क है कि जब हम वायरस इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इसका एंटीवायरस डेवलप होगा शरीर में और वो बाहर से आने वाले पोलियो के वायरस को मार देगा। और मैं कभी कभी पूछता हूं कि मान लो वो बाहर वाला नहीं आया तो ये तो हम हाइपोथेसिस में बात कर रहे हैं ना कि बाहर से वायरस आएगा बच्चे के शरीर में एंट्री करेगा तो एंटीवायरस जो उसकी कैपेसिटी है वो उसको मार डालेगी, लेकिन वो आया ही नहीं, एंट्री ही नहीं किया तो क्या करेगा, ये जो अंदर वायरस पैदा हो गए ये क्या करेंगे, ये शांति से बैठे, क्योंकि वायरस कभी भी कहीं शांति से बैठता नहीं, जहां भी है बॉडी में है या बॉडी के बाहर खुराफात है उसकी चालू रहती है। तो बच्चे में आपने डाल दिया वायरस, अब बाहर से गया नहीं अंदर, अंदर वाले ने एंटीवायरस डेवलप किया तो जरूर वो बच्चा बीमार पड़ेगा, उसको फिर कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता और वो इतना गंभीर बीमार पड़ेगा कि शायद उसके लिए हमारे पास कोई मेडिसिन भी नहीं होगी, क्योंकि वो मेडिसिन बनाने के लिए फिर वही वायरस लगेगा और वो हमारे पास होगा नहीं, तो हम मेडिसिन कहां से लाएंगे। तो हो सकता है कि आज जिन बच्चों का हमने मास वैक्सीनेशन किया कल उनकी मास डेथ भी हो सकती है, फिर हम अपना सिर पीटेंगे, हाय हाय ये क्या हो गया, बिना अकल के जो नकल करे ना ऐसे ही होता है। अब यूरोप और अमेरिका में वो मजबूरी है लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों के ध्यान में जो बातें लाना चाहता हूं वो ये कि कोई भी टेक्नोलॉजी किसी देश की जरूरत के हिसाब से होती है, जरूरत किसी दूसरे देश की वही हो ये आवश्यक नहीं है। हमारी जरूरतें अलग है, यूरोप की अलग है, उनकी जरूरतें हमारी नहीं हो सकती, हमारी उनकी नहीं हो सकती। तो जरूरत के हिसाब से जो बने वो टेक्नोलॉजी है और जो जरूरत के हिसाब से ना बने वो सब कचरा है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ध्यान में रखने की बात है। और आप सब इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं कि आप जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लें तो कोई भी टेक्नोलॉजी पर काम करें तो ध्यान रखें वो भारत की जरूरत की है या नहीं। अगर वो टेक्नोलॉजी अपने देश की जरूरत नहीं है तो कभी भी उसको आगे ना बढ़ाएं, और अगर उस देश की जरूरत है तो पूरी ताकत से उसमें लग जाएं, शायद देश का भला हो जाए।